नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य चैनल और मैं सूरज मणि आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बेल वाले आइकॉन को जरूर दबाएं। फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब जिंदगी, फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब जिंदगी, अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में, अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में, कभी इसका दिल रखा तो कभी उसका दिल रखा, कभी इसका दिल रखा तो कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। शुक्रिया। मेरा नाम सृजन गर्ग है और मैं सृजन का पहले आपको मतलब बताना चाहती हूँ। सृजन का मतलब होता है निर्माण और एक मतलब होता है शिव और शक्ति का मिलन। तो ये जो शिव और शक्ति का मिलन है उसे मैं चार लाइनों को द्वारा आपके सामने दर्शाना चाहूँगी। जैसे सूर्य बिन सुबह और चांद बिन शब अधूरे हैं, जैसे सूर्य बिन सुबह और चांद बिन शब अधूरे हैं, जैसे बिन मंदिर भगवान और राख बिन शमशान अधूरे हैं, जैसे बिन मंदिर भगवान और राख बिन शमशान अधूरे हैं, वैसे ही शिव और शक्ति एक दूजे बिन अधूरे हैं, बस सृजन नाम की डोर से बनकर होते वो पूरे हैं। तो आज की जो मेरी पोएट्री है उसका टाइटल है हाँ मैंने बनारस को बदलते देखा है। ये परिवर्तन के ऊपर मैंने लिखा है कुछ, जो मैंने अपने शहर में बनारस में परिवर्तन देखा है, बस उसी पे कुछ आज मेरी पोएट्री है। मैंने काशी को बनारस और बनारस को वाराणसी बनते देखा है। मैंने काशी को बनारस और बनारस को वाराणसी बनते देखा है, हाँ मैंने बनारस को बदलते देखा है। मैंने कुल्हड़ वाली चाय की जगह सीसीडी की कैपेचिनो को लेते देखा है। मैंने कुल्हड़ वाली चाय की जगह सीसीडी की कैपेचिनो को लेते देखा है, हाँ मैंने बनारस को बदलते देखा है। मैंने बच्चों की गंगा किनारे डुबकी लगाने वाली खुशी को वाटर पार्क का नाम सुनते ही झलकते देखा है। मैंने बच्चों की गंगा किनारे डुबकी लगाने वाली खुशी को वाटर पार्क का नाम सुनते ही झलकते देखा है, हाँ मैंने बनारस को बदलते देखा है। मैंने विश्वनाथ गली में लोगों के बसे बसाए आशियानों को कॉरिडोर बनाने के नाम पे टूटते बिखरते देखा है, हाँ मैंने बनारस को बदलते देखा है। मैंने बनारस की वीरान सड़कों को रोशनी से जगमगाने के लिए सजते सवरते देखा है। मैंने बनारस की वीरान सड़कों को रोशनी से जगमगाने के लिए सजते सवरते देखा है, हाँ मैंने बनारस को सवरते देखा है। बहुत कुछ तो बदल गया इस शहर में, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है गंगा किनारे का वो सुकून, श्रद्धालुओं के मन में दर्शन पाने का जुनून, संकट मोचन के घी के लड्डुओं का वो स्वाद, महादेव का इस नगरी पर आशीर्वाद। चलो माना कि यह शहर बहुत बदल गया है, वक्त की रफ्तार के साथ काफ़ी आगे निकल गया है, हाँ माना कि मैंने बनारस को बहुत बदलते देखा है, पर आखिर कैसे छोड़ दूँ बनारस तुम्हें, इसी में तो आखिर मैंने खुद को सवरते देखा है। एक छोटी सी मैंने चार लाइन की शायरी लिखी है, अपनी वाणी को विराम में उन चार लाइनों से देना चाहूंगी जो कि बनारस के ऊपर है, अगर पसंद आएगी तो रिलेट करिएगा। जनवरी की वो सर्दी सुबह 6 से 7 के बीच का वक्त, वो हल्की हल्की सर्द हवाएं, घाट का किनारा, हाथों में गरम गरम कुल्हड़ वाली चाय, और साथ हो तुम्हारा तो बात बन जाए।
फिर ऐसे आलम में जुबान से निकले बस आए हाय आए हाय। बहुत बहुत शुक्रिया।